दोस्तों आज हम बात करेंगे मस्ट वॉच हिंदी वेब सीरीज और मूवीज की जो सितंबर और अक्टूबर में इंटरनेट पर लॉन्च होंगी। इस बार तो हमें साई फिक्शन फिल्म भी देखने को मिलेगी और मजे की बात यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर में बैठे बैठे इन शोज का आनंद ले सकते हो। लोगों में से एक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीबी न्यूज में। मेरे को सिर्फ आपको इतना बताना है मैडम कि SBI में सब गड़बड़ हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की। दोस्तों आप सभी ने नीरव मोदी और विजय माल्या के करोड़ों के स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, पर ये सीरीज इन सबसे भी पहले 90s में 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम देने वाले हर्षद मेहता की कहानी पर बेस्ड है। आपको पता है ये फ्रॉड किसने किया? हर्षद मेहता। ये सीरीज सुचेता और उनके पति देवशीष के बुक द स्कैम से प्रेरित है। इस रिकॉर्डिंग का टाइम क्या नोट किया गया है? 20th August 1984। दोस्तों अब बात करेंगे JL50 की। इस सीरीज की कहानी को अगर साई फिक्शन वेब सीरीज कहेंगे तो गलत होगा। ये एक साईफाई फिक्शन के साथ थ्रिलिंग ड्रामा भी है। एक CBI ऑफिसर अभय को टॉप सीक्रेट प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, पर दोस्तों कहानी में वो जिस प्लेन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो 35 साल पहले कोलकाता के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके रवाना हुआ था। और ताजुब की बात ये है कि वो प्लेन हाल ही में 2020 में आकर क्रैश होता है। कैसे और क्यों, इन दोनों सवालों का जवाब देती है ये सीरीज। स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। ब्रेन हमारे बेस्ट लोगों में से एक है। Tell us, who's your contact in the Chinese delegation? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लंदन कॉन्फिडेंशियल की। इस फिल्म की कहानी उस हिंदुस्तानी टीम से जुड़ी है जो लंदन से ऑपरेट करके चाइनीज कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करना चाहते हैं और साथ ही उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जो चाइनीज को उनके मिशन की खबरें देता रहता है। शहर के शहर साफ कर देगा। मुझे लगता है कोई मोल है हमारे रैंक्स में। दोस्तों अगली फिल्म है कार्गो। ये एक वेब मिनी फिल्म है जो 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होगी। इस कहानी के राइटर और डायरेक्टर अराति कादव है। ये कहानी उन एस्ट्रोनॉट की है जो स्पेस मिशन पर जाते हैं। आप देखेंगे कैसे उन्हें अपने मिशन के दौरान अलग अलग कार्गो में आए लोगों से डील करना पड़ता है। दोस्तों इस फिल्म को देखना मत भूलना क्योंकि ये एक पहली इंडियन स्पेस फिल्म है। मैं प्रहस्ता पोस्ट डेट सर्विसेज का राक्षस आपका पुष्पक 634 में स्वागत करता हूँ। उसकी बात ही कुछ अलग थी। स्कूल नहीं जा सकता, बड़ा आया स्कूल जाने वाला, सपने देखना छोड़ दे। दोस्तों लिस्ट की सबसे आखिरी फिल्म है अटकन चटकन जो Zee5 पर अवेलेबल है। इस फिल्म की कहानी उस लड़के की है जो शुरू से ही म्यूजिक का बहुत ही शौकीन है। म्यूजिक के हुनर के साथ अपना जॉब स्ट्रगल और बाप के अत्याचार को झेलकर भी वो कैसे एक फेमस म्यूजिशियन बनने में कामयाब होता है और साथ ही कहानी में दोस्ती का जबरदस्त तड़का इसे और भी मजेदार बना देगा। दोस्तों इस फिल्म में हर एक कलाकार ने इमोशंस और स्ट्रगल से लेकर कामयाबी तक का सफर तय किया है। म्यूजिक का एम भी नहीं आता होगा। पानगिरी करने से पेट भरेगा क्या उसका? और ऐसी ही लेटेस्ट वेब सीरीज के रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।